तालाब टूट फूट जो थी पानी पूरा रिसक जाता था, परमार संस्था वालों ने हमारा तालाब बनवाया और इसमें देखिए आज पानी भरा हुआ है। संडल बांध है, इसमें पहले पानी नहीं रुकता था, लेकिन संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र से सहयोग से स्पेलवे बना। अब ये स्पेलवे से ओवर पानी होता है, वो पैन होते हुए 1900 फीट बड़काहर में हम लोग पानी गिराए हैं। This is a country used to extremes. पहले तो हम लोग जंगल में जाते थे झाड़ी में, अभी हम लोग ये शौचालय बनाए हैं तो हम लोग शौचालय में ही जाते हैं। In parts of central India, droughts are common, and in parts of eastern India, floods are frequent. जब से बाढ़ यहाँ पर एक विभीषिका के रूप में आने लगा, हमारे यहाँ का जितना भी तालाब कुआं था सब बर्बाद हो गया, और जब से ये तालाब कुआं बर्बाद हुआ है तब से बाढ़ का विभीषिका भी बढ़ा है, सुखाड़ भी बढ़ा है और पानी के गुणवत्ता में भी कमी आई है। This is a country where water can be everywhere and yet there can be not a drop to drink. पानी कुछ देर रख देते थे बाल्टी गिलास कुछ में भी, तो ये धीरे धीरे जो है गाढ़ा पीला जैसा हो जाता था। हम लोगों ने जो सर्वे किया था उसमें यह देखा था कि लोगों का पर ईयर जो एक्सपेंस होता है तो उनके इनकम का 60% एक्सपेंस उनके हेल्थ रिलेटेड होता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका वाटर से रिलेटेड उनके चीजें होते हैं। It is in these areas that Velthungar Hilfa is working to lift people out of poverty while promoting sustainable livelihoods. Velthungar Hilfa with its partner organization Parmarth, GPSVS and SGVK is implementing the integrated water resource management project at Bundelkhand, Bihar and Jharkhand. The IWRM project has dealt with two sides of water, the supply side and the demand side. So the, on the supply side, it has been about revival of traditional water harvesting systems and about harvesting of water and using watershed and other modern technologies. And on the demand side, it has been about reducing water in say drinking water uses, in water sanitation and hygiene, and in agriculture. So on both the supply side and the demand side, there some excellent models have been established which are easily scalable and sustainable. Velthungar Hilfa's integrated water resource management program has breathed life into dying chandela tanks in the parched Bundelkhand region of Madhya Pradesh. It actually prepared a water use master plan in the villages through participatory manner. The plan is mainly prepared by the Pani Panchayat or the village development committee. This plan is passed through the village assembly, that's a Gram Sangsad, and it goes to the panchayat and panchayat approved this plan. पानी पंचायत एक बेसिक एक संगठन है, लोगों का गांव का एक लोगों का संगठन है जो पानी जैसे मुद्दों को लेके लोगों के राइट और अधिकारों और उनके शासकीय योजनाओं से लाभ के जो मुद्दे हैं उनको लेके उनको संगठित किया। उन्होंने जो है उस तालाब या उनके गांव में जो जल स्रोत हैं उसको लेके उन्होंने जो है उसमें सुरक्षा को लेके उसके स्थायित्व के लेके उन्होंने प्रयास किए। उस बनगाए पंचायत में एक संस्था ने काम करवाया है, उन लोगों ने हमें उसकी पूरी राह बताई। क्या आप सब तो हम सब गांव वालों ने बैठ के उसका ऐसे आंकड़ा लगाया कि जमीन इससे 70-72 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। हमने 300 रुपया प्रत्येक घर से लगाया और इसका भाग दिया तो 412 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भाग निकला। हम लोगों ने ये तालाब टूट फूट जो थी पानी पूरा रिसक जाता था, परमार संस्था वालों ने हमारा तालाब बनवाया और इसमें देखिए आज पानी भरा हुआ है। अब भर गया, अभी बरसात छोटी फूटी हुई है, जिसमें पानी बरस गया तो इतना पानी हमारा रुका है, ना तो इतना पानी हमारा बचता, वो बह जाता था। In parts of central India, these tanks were designed during the Chandela era in the 13th century, characterized by boulders which acted as embankments capturing the rainwater and preventing it from escaping. Further east, in Jharkhand, the ancient ahar pine systems were created with the same objective. आहार और पाइन जो बनता है वह पूरा मिट्टी से वो बांध बनाए जाते हैं और उसको जगह जगह पर जो वर्षा पानी जब जहां बरसता है उसी जगह पर वह पानी को ऊंचे स्थानों पर रोककर नीचे के स्तरों में जो है जमीन का पटवन होता है और पाइन के माध्यम से और आहार का जो पानी संरक्षित होकर दूसरे आहार में जमा होता है, तीसरे में होता है, एक तरह से श्रृंखला के तौर पर वो डेवलप होता है। यहाँ के बोरा धक जो पानी है इस
पहाड़ से उत्तर साइड से बहकर जून जुलाई अगस्त तक पानी आता है, जो कभी 3 फीट 4 फीट ऐसे गुजरते हुए इस नाला में है आपका इलायची बांध में आता है। But post independence, these Ahar pine systems were allowed to fall into disuse. They are now being nurtured back to health through the efforts of Veltungar Hilfa and its local partner Sampurna Gram Vikas Kendra. और ये इलायची बांध जो है इसको जो है से ढह रहा था, इसको हम लोग जो है से श्रमदान से और कुछ संपूर्ण ग्राम केंद्र का जो लोग हैं वो जो है से कुछ सहयोग किए और सहयोग करके जो है से बांध को हम लोग ठीक किए। तंडल बांध से पानी जो चला ओवर होकर के वो आपका पैन से पानी बड़काहर में आता है और बड़काहर में आने के बाद नीचे 500 किसान इसे लाभान्वित सिंचित होते हैं। 1200 एकड़ जमीन सिंचित होता है, धान और गेहूं उपलब्ध है और जब अच्छी बारिश होता है तो यहाँ पानी की अब कमी नहीं होगा। Nearly 22 Ahar pine system has been revived in this area by Sampurna Gram Vikas Kendra with support from the community and in some places they have newly constructed the Ahar. Today, songs resound in the rice fields of Palamu. Agricultural practices now are helping in livelihood and sustainability of the tribal population of the region. Once water shortages were tackled, low-input sustainable techniques such as system of rice intensification were taught to farmers here. Its tireless efforts have revived Ahar pine systems in the rain shadow areas of Palamu. And its safe drinking water solutions has restored the health of the people and the economy in flood-affected areas of Madhubani and Supaul. जब हम लोगों ने वाटर टेस्टिंग किया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मटका फिल्टर, जो कि मटका फिल्टर से उस आयरन का मोर देन 96% पानी वो सेफ होता है और वो कंटामिनेशन फ्री होता है पानी, उस पानी को फिर लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और अभी हम लोग अपने क्षेत्रों में लगभग 500 से ज़्यादा मटका फिल्टर का लोग यूज कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले में पानी डालते हैं, नीचे बीच वाला में जो है सबसे नीचे जहाँ पे 5 छिद्र है वहाँ पे एक जाल दे देते हैं प्लास्टिक का, उसके ऊपर सोनसेन बालू बिछा हुआ है। बीच वाले मटका फिल्टर में जो है सबसे नीचे छिद्र के ऊपर यानी इस जाली को रख देते हैं, उसके बाद इस बालू को जो है धो करके डाल देते हैं, बालू के ऊपर जो है फिर एक जाल डाल देते हैं, उसके बाद ये लकड़ी का कोयला जो इसको भी धो करके रख देते हैं, फिर एक जाल रख करके और ईंटा का जो है छोटा छोटा टुकड़ा बना करके और डाल दिए हैं। ऊपर वाले घड़े में पानी डालते हैं, नीचे जो है ये तीनों चीज़ से छन करके सबसे नीचे वाले घड़ा में पानी पहुंच जाता है तो वो शुद्ध पानी होता है। उस यूज करने से जो हम लोग को गैस नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां भी नहीं हुई। अब पानी जो है इसमें से आ गया छन करके। And to remove any grain of doubt on how effective this three-stage filter is, all one needs is the simple guava leaf test. गुआवा का पत्ता लेते हैं, इसको जो है मल करके ये चापाकल के पानी में डाल दिए, फिर और गुआवा का पत्ता जो है मल करके और इसको जो है शुद्ध पानी में भी डाल दिए, दोनों का जो है कुछ देर के बाद 2 मिनट के बाद कलर चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि चापाकल का पानी जो है काला हो गया है और मटका का जो पानी है वो शुद्ध है, वो अभी तक उजला ही है। This low-cost, scalable innovation has been implemented on public buildings in the villages, which now provides healthy drinking water during the floods and all year round. With planning tools such as water use master plan and with collective engagements of the communities in Pani Panchayats in the regions of Madhya Pradesh, Jharkhand and Bihar, the integrated water resource management program has given voice to a section of population that had remained voiceless. These scalable innovations like the EcoSan toilets offer not just privacy but also an excellent and sustainable means to make organic fertilizers and pesticides. पहले तो हौद बना लिए, उसके बाद जो है बीच में हम दीवार दे दिए, इसमें 2 टैंक है मल का और 1 टैंक है मूत्र जाता है उसमें। इसमें जो है 1 टैंक में हम लोग 6 महीना यूज करते हैं, 6 महीना के बाद उसको भर जाने के बाद उसमें हम लोग राख डालते हैं, राख डालने के बाद जब ये 6 महीना में भर जाते हैं तो इसको हम लोग ढक देते हैं, फिर हम लोग
इस दूसरा टैंक का यूज करते हैं, और तब तक पहला टैंक जो भरा हुआ रहता है उसका 3 महीना में खाद बन जाता है। वो खाद हम 3 महीना के बाद निकाल करके 1 कट्ठा में 2 किलो खाद डालते हैं। जो पेस्टिसाइड के लिए बनाते हैं उसको 3 लीटर पानी में हम लोग 1 लीटर पेशाब डालते हैं और पेस्टिसाइड बनाते हैं। Singularly responsible for the health of the family, they are the ones who repair the hand pumps. हम लोग उनके साथ गए, फिर हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग मिली, तब फिर हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोग यहाँ आए तो फिर हमने थोड़ी बहुत मरम्मत की, इसकी टूट फूट हम लोगों को सिखाई। फिर हम लोगों के पास सामान नहीं था, फिर संस्था की तरफ से हम लोगों को सामान भी दिया गया कि इससे आप लोग थोड़ी बहुत जो टूट फूट है वो अपनी कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खुद कर सकती हो। वुमेन्स ग्रुप्स हैव एक्चुअली बीन एबल टू टेक ट्रेनिंग ऑन हैंड पंप रिपेयरिंग एंड दे आर नाउ बेफुट टेक्नीशियंस एट द विलेज लेवल। फिर वे कहती कि इसमें कमी देखो दीदी लोग, तो हम लोग सब जने 6-7 महिलाएं जोड़ के अपने रेंच पाना ले करके और देखते हैं खोल के, जो 62 की कमी है तो 62 मंगवा के बाजार से और वो डाल देते हैं। Trained to wield wrenches and hammers, women in these villages can now also test the water before they use it for household purposes. Simple concepts like the construction of raised platforms for wells and hand pumps prevents diseases from seeping into the groundwater. और ये अब जो पानी यूज से जो ओवर होता है वो हमारा इस छन्नी के द्वारा ये यहाँ से सीधा हमारा एक 100 फीट गड्ढे में जाता है। अब ये सर 20 फुट दूर है, क्योंकि हमारा इससे एक और लाभ है कि जो पानी का रिचार्ज होता है जमीन के लिए हमें वो भी उपलब्ध है। जैसे ज़रूरत पड़ती है पानी यूज करने के लिए हम इससे भी ले लेते हैं, अपना सब्जी का भी काम चलाते हैं, बाकी उसकी सिंचाई भी कर लेते हैं इससे, और हमारा पानी दूषित नहीं होता है, ताकि एक भी बूंद भी इसका पानी उपयोग में हम लाते हैं। इन तीकमगढ़ a buried pitcher can provide for irrigation when the rains are scanty, while in Madhubani the same pitcher can be modified to act as a highly effective water filter. So a lot of these interventions are now happening on their own. They are scaling up, they are multiplying, and I would say the project has been extremely successful and has shown several sustainable methodologies. Once trained, the locals have found ways to scale up the innovations, boosting their produce and income. I think that is one great success of the IWRM project, and the community has been able to show that using its own labor contribution and by mobilizing funds from NREGA, a lot of traditional systems which have not been utilized since a long time can be revived and can actually lead to a lot of benefit for agriculture and for drinking water and other water related uses in the daily lives. The usage of the Persian wheel, traditionally known as rahat in these areas of Bundelkhand, has become the reason for tidy profits. Treadle pumps have also minimized human effort and maximized farm yields in places like Madhubani and Supaul. Interventions inspired from traditional practices are now models whose scalability has been tested by organizations like Tarun Bharat Sangh. Activists working in water issues from many states have launched the Jal Jan Jodo campaign under the leadership of Rajendra Singh to connect people with water conservation issues. Jal Jan Jodo Abhiyan, Jal Saksharta paida karke logon mein vishwas paida karna, logon ko panidar banane ka, logon ko apne pairon pe khada karke pani ki ek muhim khadi karne ka kaam ban gaya. People's Water Alliance or Jal Jan Jodo Abhiyan will focus on issues such as decentralized community management of water, revival of traditional water harvesting systems and reviving dying rivers. Jab hum logon ke paas jate hain, unke ilake mein jate hain, unki samasyaon ka samadhan ka jo rasta hai unke saath baat karke khojte hain, to unko apna pan lagta hai, unke andar ek vishwas paida hota hai ki ye kaam hum khud kar sakte hain. In parts of Madhya Pradesh, Bihar and Jharkhand, which were already ecologically vulnerable, climate change has created greater anxieties for the larger populations here. The road ahead is strewn with challenges of the demographic, economic,
and climatic kind. But for now, the sun is shining and the rains are no longer feared. And even if the rain gods do give these areas a miss once in a while, the smiles on these faces and the music in their fields are unlikely to fade.